हम लोग आगे क्रम शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल, और वो कैपिटल अकाउंट किसका होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है दो तरीके से बनती है। एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है और एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है। ठीक है, अब नाम से ही लगता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती, ऊपर नीचे होती रहती है। और फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं। एक फिर से बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं तो ये करा देते हैं, वैसे हमने पीछे क्लास में करा रखा है। तो हम लोग एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं अपने आप से। कैसे फ्रेम करते हैं? सबसे पहले कैपिटल की शुरुआत कब होती है? जब बिजनेस शुरू किया जाता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, सभी लोग अपने मतलब इसमें योगदान करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये बना रहे हैं, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए और बी दो लोगों ने मिलकर के, मैं समरी लिखाता हूँ, वो उतना लिख लेना बस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैडम वाली स्टाइल नहीं है कि इस वाली बुक का लिख लो फिर उसके बाद बैठ के सवाल करो, टाइम नहीं बर्बाद करना। मैं उसका कंटेंट लिखा, मैंने बताया दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट होता है, क्वेश्चन होता है। तो अभी मैं इनपुट ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है, मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं पीएल अप्रोप्रिएशन तो हम लोग बना चुके हैं, कैपिटल भी पहले बना चुके हैं, लेकिन कैपिटल फिर से आते हैं तो हम उस पर आते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो एक मिस्टर ए हैं और एक बी है। ए ने कैपिटल लगाई है, कितनी लगाई है ए ने? मान लो 2 लाख रुपए। और बी ने कितना लगाया है? 3 लाख रुपए। ठीक, अब इन दोनों लोगों ने मिलकर के तय किया है कि सैलरी दी जाएगी, ए को दी जाएगी 30,000 रुपये टोटल सैलरी। अगर इसमें पीरियड नहीं लिखा है तो मतलब पूरे साल की सैलरी है। ठीक है, आगे एक और बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना ले लिया जाए? 10% पर एनम। ठीक, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, इतने से कैपिटल कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चंस होंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, और इन लोगों का जो पीएसआर है हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं मतलब इक्वल होगा, ये तो बात समझ में आती है। पीएसआर अगर नहीं दिया होता है तो इक्वल होता है। एक और चीज लिखनी है, ये तो सब डिसाइड हो गया। अब ईयर एंड पर, ये मान लो जिस भी साल शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ, ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को। ईयर एंड पर जो प्रॉफिट आया है कितना ले लिया जाए? 3 लाख रुपए। ये हमारा क्वेश्चन का सेगमेंट आ गया। अगर हमको कुछ और लगता है तो हम लोग उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। मुझे क्या करना है? एक तो जर्नल एंट्री करनी है और दूसरा कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं पहले, जर्नल इन द बुक्स ऑफ फर्म, जैसे लिखते हैं उस तरीके से आप लोग पूरा लिखिएगा। यहां तक दिख रहा है? इसके आगे भी दिखेगा? लाइन बता देना कहां तक नहीं दिख रहा है।
2 लाख 3 लाख रुपए शुरुआत की बात है, पैसा लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एंट्री करता हूं, जो पैसा लाए हैं तो फिर पैसा कहाँ आता है, बैंक में आता है या कैश आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल। कितना लाए, 2 लाख टू बीज कैपिटल, 3 लाख, टोटल कितना आ गया, 5 लाख। अब मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। हम लोग ये जो टॉपिक सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैपिटल बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना। तो यहां पर हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट। बीस कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ए का कितना रुपया था, 2 लाख, और यहां पर बाय बैंक अकाउंट। क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं पार्टनरशिप या कोई अलग चीज पढ़ रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, सिवाय इसके कि वहां पर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट जो भी करते थे, यहां पर क्या है, उस कैपिटल का नाम एक एज बीज दो लगा दिया गया। बात समझ में आ गई ना, तो अब आगे सैलरी किसको दी गई है, ए को। ठीक है, तो एंट्री क्या करते थे हम, एज सैलरी अकाउंट डेबिट, ऐसे तो करेंगे ना, एज सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू एज कैपिटल। मुझे पता है स्कूल या वगैरह में कहीं पर यह डराया जाएगा कि जब कैपिटल का एडजस्टमेंट होता बड़ा मुश्किल होता, हाँ होता है, लेकिन किसके लिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट इज नथिंग, इट इज ओनली द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इरर्स। बात समझ में आ रही ना, कैपिटल एडजस्टमेंट जो पीछे की एडजस्ट करी जाती है, हमने क्या पढ़ा था कि रेक्टिफिकेशन में तो यही पढ़ा था ना कि गलत कर चुके हैं, तो वहां पर भी जो मैडम ने या सर ने पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया होगा बताइए, उन्होंने कहा कि ऐसा कर दिए हैं, करना ऐसे था, तो ये तो 11th का रेक्टिफिकेशन हुआ ना। अगर मैं ये समझ के करूंगा कि इट इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ 11th क्लास तो कुछ नहीं है, और अगर मैं ये समझ करूंगा कैपिटल एडजस्टमेंट, मेरे लिए नई बात आ जाएगी। तो मैं ये समझता ही नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, सारी एडजस्टमेंट ही तो है, क्लियर है ना, वो गलती किया था, गलती को सुधार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट जिसने लिखा वो गलत है, लेकिन आपको समझना ये है। तो अगर एज कैपिटल क्रेडिट है तो क्या कर दूं, इसके डेबिट में जाके लिख दूं ना, ऐसे डेबिट में ही लिखते हैं, बाय एज सैलरी। अरे मैडम ने पढ़ाया होगा डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, पोस्टिंग में पढ़ाया नहीं था, फिलहाल छोड़ो उसको, इधर आओ, तो सैलरी इधर इसके यहां पर लिख देंगे आकर के, कोई डाउट, एज लिखना भूल गया, अच्छा चलो ठीक ठीक लिख देते हैं, अच्छा अच्छा सा। आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो क्या करेंगे बोलो, एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम,
10% सब पे निकाल लेंगे, 2 लाख पर, 2 लाख का 10% कितना होगा, निकालूं 20,000। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं निकालूंगा नहीं, और इसका कितना होगा 30,000। वेरी सिंपल। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना था भाई, 20,000 और 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 50,000। ठीक। एक और बात इसने कहा, अब ईयर एंड प्रॉफिट पे, मतलब बाद में हमारा जो फर्म का प्रॉफिट टोटल हो करके आया, कितना आया है 3,00,000 रुपए, तो क्या एंट्री करते हैं बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, बताया करो मैं भूल जाता हूँ, अप्रोप्रिएशन 30,000 सॉरी 3 लाख, कोई डाउट है इतने में, नहीं? ओ, इसकी पोस्टिंग किया हमने नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, अब एज कैपिटल क्रेडिट है बाई एज बाई इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, कोई दिक्कत नहीं? पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने को तो नहीं कहा है, लेकिन ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं वर्किंग नोट के रूप में, ये हमारा वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर बोलो, बाय नेट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। ठीक, और तो कुछ किया नहीं अभी, अब एक और काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये अप्रोप्रिएशन में कुछ एंट्रियां भेज देते हैं, किसको भेजते हैं, एज सैलरी टू एज सैलरी अकाउंट कितना 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 50,000। ठीक, दिख तो रहा ना, यहां तक तो दिख ही जाएगा, 3 लाख 3 लाख ये हो गया। अब इसकी एंट्री कर दें, टू इधर देखो एज सैलरी कितना 30,000, ये दिख रहा है ना पीएल अप्रोप्रिएशन, ये वर्किंग नोट है हमारा। आगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, ए का कितना है 30,000 सॉरी 20,000, 20 और 30, ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत यह है कि हमें यह पता करना है कि ए और बी को उसका प्रॉफिट बांटना है, इसलिए इस प्रक्रिया को करना पड़ा हमको। पीएल अप्रोप्रिएशन उसने कहा तो नहीं था बनाने के लिए, लेकिन मुझे क्यों बनाना पड़ा, उसके पीछे का कारण यह है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो 3 लाख माइनस 80,000, ये 20, 30, 50 और 30, 80, तो कितना बचा 220। अब क्या करेंगे, टू कैपिटल, कौन सी कैपिटल, ए और बी की, ए को कितना दे देंगे 1,10,000, बी को कितना दे देंगे 1,10,000। तो यहां पर हम आएंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कितना 2,20,000, बांट देंगे पैसे को टू एज कैपिटल कितना 1,10,000 टू, ये देख लेना दिख रहा है कि नहीं,
110,000 और इसकी पोस्टिंग कर देंगे कहाँ पर, यहाँ बाई, बोलो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 110,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 110,000। इसका टोटल कितना हुआ, इतने आ रहा ना, टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल चेक कर लेना, टोटल गलत होगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका टोटल 3,60,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 3,60,000। ये बात समझ में आई या कहीं डाउट है, आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब किसी ने कहा, मान लो हम किसका काम कर रहे हैं, हम तो अकाउंटेंट हैं, फर्म का काम कर रहे हैं। ये पूछता है हमसे कि शुरुआत में मैंने कितना पैसा लगाया था, ये तो पहली साल है मैंने देख लिया, 10 साल बाद वो पूछेगा मैं क्या करूंगा, या मैं कितना पैसा निकाल सकता हूं फर्म से। अब ये बात तो पता नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि सब जुड़ता जा रहा है। तो वास्तव में जो प्रॉफिट का पैसा होता, जो ब्याज का होता है, वो उसकी कमाई है, लेकिन जो उसने लगाया है वो अलग दिखना चाहिए, ऐसा भी एक वो होता है भाई, जो लगाया है तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक और मेथड है। अब यहां पर क्या हो रही है, कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है। अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे कुछ और दिखेगी, अगली ऐसे अलग अलग दिखता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो पैसा कैपिटल में लगाया गया वो कैपिटल में रहने देंगे, या कभी कभी बीच में कैपिटल लगाते भी हैं। दो चीजें हैं, एक पैसा कैपिटल, पहले 2 लाख लगा दिया, अब कोई कह रहा कि नहीं कुछ पैसे कम पड़ रहे पूंजी बढ़ाओ, तो पूंजी बढ़ाओ, 50,000 और लगा दिया। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल, ही इज इंट्रोड्यूस द कैपिटल। तो ये कैपिटल में तो जुड़ेगा हमेशा, चाहे फिक्स कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। लेकिन अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन जो ईयर वाइज हो रहे हैं कि उसकी सैलरी है, उसका इंटरेस्ट है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, तो वो तो बिजनेस इसलिए कर रहा है कि उसके अपने भी खर्चे हैं ना, तो अपने लिए ले जाता है निकाल करके। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके से अलग अलग दिखाना है तो हम कैपिटल का 2 अकाउंट बनाते हैं। 2 अकाउंट मतलब एक कैपिटल होता है, दूसरा करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन हम पैसे निकालते रहते हैं और फिक्स कैपिटल एक जगह पर पड़ी रहने देते हैं। तो उसमें करते क्या है, ध्यान देना है, यहां पर एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कैपिटल लगी है, ठीक। अब एज सैलरी, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, टू एज करंट अकाउंट। इसमें चेंज कर दे चल जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट अकाउंट, टू बीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू अप्रोप्रिएशन, कोई चेंज नहीं होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन टू एज सैलरी है, कोई बात नहीं, सैलरी की है तो नॉमिनल है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर फिर करंट अकाउंट का यूज होगा, ये बात समझ में आ रही है? अब इसी कैपिटल को देखो, यहाँ पर 360 आया है, बाहर लिख लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं, पूरा दिखेगा नहीं, तो इसी मिटा के करना पड़ेगा। इधर देखो बना दूंगा तो छोटा छोटा दिखने लगेगा। ए की कैपिटल कितनी, 3,60,000 दिख रही है, और बी की कैपिटल कितनी है, 4,40,000 दिख रही है। अब अगर मैं इसको रफ कर दूंगा, ये मिटा दूंगा पोर्शन, और ये मिटा दूंगा, कैपिटल एक ही जगह तो है एंट्री, तो यहां पर होगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना होगा बोलो,
और यहां पर हम एक और बनाएंगे इज करेंट अकाउंट, यहां क्या लिखेंगे बाय इज सैलरी 30,000, ठीक है। यहां पर भी एक 20 करेंट अकाउंट बनाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 30,000 ना, और यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, फिर ये वाली फिगर आएगी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,10,000, बाई वन लैख 40,000 यहाँ। अब ये दिखेगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 1,40,000, ये है 1,60,000। यहाँ पर क्या दिखेगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 1,60,000, अब देखो फिक्स में कितना था 2,00,000, और ये जो चालू खाता है इसमें कितना है 1,60,000, टोटल कितना हो जाएगा 3,60,000, इसमें कितना है 3,00,000, इसमें कितना है 140, कितना हो गया। तो ऐसा है इसमें डिफरेंस सिर्फ इस बात का आता है कि कुछ पैसा फिक्स है और कुछ पैसा फ्लक्स मतलब अलग रखा हुआ है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो ये पैसा अब यहां पर जो कैपिटल है फिक्स होती है, कैसे फिक्स होती है, जब तक हम कैपिटल विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक कैपिटल कम नहीं होगी, जब तक उसमें और पैसा नहीं लगाएंगे तब तक वो ज़्यादा नहीं होगी। तो नॉर्मली वो फिक्स रहती है, कितना पैसा मैंने लगा दिया इससे बिजनेस चलता रहेगा। हाँ बिजनेस का विस्तार करना है कुछ करना तो नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, जब बोला जाएगा विड्रॉइंग द कैपिटल, अभी हमने इसमें ड्राइंग नहीं लिखा, अगर ड्राइंग लिखे होते तो ड्राइंग यहीं से करते, लेकिन लेकिन हाँ आपकी बुक में कहीं कहीं करंट अकाउंट के बाद अलग से ड्राइंग भी बनाएगी, अगर ड्राइंग अलग बोलेंगे तो ड्राइंग बना देना अलग से, और अगर नहीं बोल रहे हैं ड्राइंग अलग से नहीं बनानी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ड्राइंग अकाउंट तब बनाना जब बोला जाएगा, नहीं तो ड्राइंग अकाउंट नहीं बनाना है। तो ड्राइंग यहाँ से कर लेंगे, और अगर फिक्स है तो फिक्स में से ही ड्राइंग करते हैं। तो कैपिटल जो होती है हमारी, जब एक अकाउंट बनता है कैपिटल का तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाती है, ध्यान से समझना है कैसे, क्योंकि कैपिटल घटती बढ़ती रहती है। और जब दो अकाउंट होते हैं तो सारी जो एडजस्टमेंट या जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है कहाँ जाती, करेंट अकाउंट में। तो क्या कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, नहीं होती ना। तो इसलिए जब हमारी एक कैपिटल अकाउंट होता है तो क्या कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और जब करंट अकाउंट भी ओपन होता है तो उसको क्या कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो मुझे लगता है फिक्स और करंट कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हमने पीछे भी इस पर क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो इतने में अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।